मुकुल रॉय ने फिर बदला पाला। बीजेपी का नाम जप रहे दिग्गज नेता, क्या टीएमसी से टूट गई सियासी आस? पहले सुनिए मुकुल रॉय का बयान। आप वापस तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे, बीजेपी ने कहा था कि आपने धोखा दिया है, अब क्या धोखा मोखा हो जाएगी आसानी से? धोखा मोखा कुछ दिया नहीं है, अब तब हमारा तबीयत अच्छा नहीं थे, पॉलिटिक्स से थोड़ा धीरे से चल रहा। अब क्या प्लान है दादा, आगे क्या करेंगे? देखिए हम तो बीजेपी छीला रहे थे, अभी भी बीजेपी में आए, अभी बीजेपी हमको कुछ काम देगी तो काम करेगा। मुलाकात हुई है, क्या होने वाली पॉलिटिकल काज? देखिए दिल्ली में हमारा घर है, हमारा कोठी है, तो दिल्ली में आया है, कोई बात करेगा तो बात करेगा। ये बड़ा दावा बंगाल की राजनीति के बड़े चेहरे मुकुल रॉय का है। मुकुल रॉय लगातार बीजेपी में जाने की बात कह रहे हैं, यहाँ तक कि बुधवार को उन्होंने दावा कर दिया कि वो बीजेपी में हैं। उन्होंने कभी टीएमसी की सदस्यता नहीं ली थी। दरअसल पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय लगातार सुर्खियों में हैं। इसी बीच मुकुल रॉय के गायब होने की खबर आई, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। अचानक मुकुल रॉय मीडिया के सामने आए और उन्होंने दावा कर दिया कि वो टीएमसी में कभी शामिल नहीं हुए थे। उनका ये दावा इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि जून 2021 में मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी के सामने कोलकाता में टीएमसी को ज्वाइन किया था। उस समय मुकुल रॉय ने दावा किया था कि बीजेपी में जो हालात हैं उसको देखते हुए कोई भी बीजेपी में नहीं रह सकता। समय गुजरा और एक बार फिर मुकुल रॉय घर वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखिए वो अच्छा में है, अच्छा में चल रहा है, वो देखेगा वो क्या करेगा। तो आप टीएमसी से रिजाइन करेंगे? टीएमसी से रिजाइन? हम तो रिजाइन करने का बात नहीं है, हम तो टीएमसी में नहीं ही आए। ऑलरेडी रिजाइन कर दीजिए। सर एक आखिरी सवाल है, टीएमसी और बीजेपी दोनों की तरफ से जो बयान आया ऑफिशियली, उसमें ये कहा है कि उनके आने जाने से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ना आप घर के रहे ना घाट के। तो ठीक है, बात करें, बात से बात होगा। बड़ी बात यह है कि मुकुल रॉय के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी बड़ा बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि कोई दिल्ली जाना चाहता है या नहीं, ये पूरी तरह से उस व्यक्ति का विशेषाधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि मुकुल रॉय के बेटे ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को अगवा कर लिया गया, इसको लेकर FIR भी दर्ज की गई है। देखिए बात यह है, हमको बोलना नहीं चाहिए, उनका लड़का, उनको लड़का ने बोला FIR में, FIR किया उन्होंने लड़का को, उसका लड़का कि हमारा फादर मिसिंग है, कोई दो आदमी हमारा फादर को लेके चला गया कोई एजेंसी का मार्फत, ये बात तो उनका बेटा बोला। इट इज बेटर यू कैन आस्क द अदर क्वेश्चन टू हिज सन, आई थिंक यू नो हाउ बीजेपी इज बिहेविंग, मे बी कोई थेट टेट किया था, कुछ किया था, लेकिन वो तो बीजेपी का ही है मेरे। बता दें कि जून 2021 में बीजेपी विधायक मुकुल रॉय टीएमसी में चले गए थे। उस समय खुद ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय के टीएमसी में आने पर खुशी जताई थी। कई मौकों पर मुकुल रॉय बीजेपी के खिलाफ बयान देते भी दिखे। इसी बीच मुकुल रॉय ने टीएमसी में नहीं होने का दावा कर दिया, जिससे कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।